इसराइल ने आखिरकार 25 दिन बाद ईरान पर जबरदस्त पलटवार कर अपना बदला पूरा किया। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों पर हमला करने का दावा किया। बताया जाता है कि इसराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी रहे। खास बात है कि पीएम नेतन्याहू खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। ईरान पर हुए इजरायली हमले पर अब ईरानी न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। तस्नीम के मुताबिक ईरान इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी अधिकारियों ने खुलासा किया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने आईआरजीसी को संभावित इजरायली हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। ईरानी प्रतिक्रिया की तीव्रता इसराइल की ओर से पहुंचाए जाने वाले नुकसान की सीमा के बराबर होगी। वहीं न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यदि इजरायली हमलों से गंभीर नुकसान या महत्वपूर्ण मानवीय क्षति होती है तो ईरान इसराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। यदि इसराइल हमले कुछ सैन्य ठिकानों या हथियार डिपो तक सीमित है तो ईरान गंभीर रूप से जवाब नहीं दे सकता। यदि इसराइल तेल रिफाइनरी, ऊर्जा सुविधाओं या परमाणु साइटों को निशाना बनाता है या ईरानी नेताओं की हत्या करता है तो ईरान इसे कठोर प्रतिशोध की ओर ले जाएगा। प्रतिक्रिया के बाकी विकल्पों में ईरान समर्थक समूहों के हमले बढ़ाना और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और शिपिंग को बाधित करना शामिल है। ईरानी मीडिया ने इजरायली एयर अटैक से होने वाले नुकसान को मामूली बताया है। हमलों के दौरान इजरायली जेट ईरानी एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुए और उन्होंने केवल सीमित नुकसान पहुंचाया है। साथ ही आईडीएस पर हमले को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे करने का भी आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी तस्नीम ने उन रिपोर्टों को खारिज किया जिनमें कहा गया कि हमले में सैकड़ों इजरायली प्लेन शामिल थे। ईरानी सांसद अहमद अज़्ज़ाम ने कहा, हमने अपने बचाव करने का अधिकार है, हम उसी के अनुसार जवाब देंगे, हम एक प्रमुख सिद्धांत का पालन करेंगे, हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान आत्मरक्षा के अधिकार के तहत विदेशी हमलों के खिलाफ बचाव करने का हकदार और बाध्य है। ईरान अपनी सुरक्षा और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। वहीं आईडीएफ प्रवक्ता ने ईरानी ठिकानों पर कई सटीक सैन्य हमलों के बाद सख्त चेतावनी दी है। डैनियल हैगरी ने कहा, अगर ईरान के तनाव के नए दौर की शुरुआत करने की गलती की तो हमें जवाब देना होगा। ये निर्णायक कार्रवाई 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के बाद हुई, जब इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी में काफी इजाफा हुआ। हमने ईरान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर लक्षित और सटीक हमले किए, जिससे इसराइल के खिलाफ हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया। आज इसराइल ने अपनी क्षमता और निर्णायक रूप से कार्य करने के संकल्प का प्रदर्शन किया। हम इसराइल और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए आक्रामकता और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं।